वीवो का T3 5G कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। जिस T2 5G का जो अपग्रेड वर्जन है वो कंपनी ने लॉन्च कर दिया है काफ़ी शानदार प्रोसेसर के साथ। तो हम देखने वाले हैं आज इसका अनबॉक्सिंग, तो वीडियो में बने रहना। ये T2 का मेरे पास जो वेरिएंट है 8128 है, जिसकी कीमत है 20,000 रुपया। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 20,000 वाले और एक 22,000 वाला। तो ये मोबाइल है, इसको रखते साइड में और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हमको TPU केस दिख रहा है, जो काफ़ी क्लियर और काफ़ी स्मूथ, बहुत बढ़िया क्वालिटी का TPU केस है। तो ये वीवो कंपनी अच्छा है कि केस के साथ ही दे रही है। और इसके अंदर कुछ ये कागज़ है जो पढ़ता नहीं है कोई, जो यूज़र मैनुअल है। ये टाइप सी चार्जर केबल है जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है ये। उसके अंदर हमको फ्लैश चार्जर भी मिल जाएगा, 44 वाट का फ्लैश चार्जर है जो फास्ट चार्ज करने में मदद करता है। इसके अंदर हमको सिम टूल भी मिल जाएगा। तो ये सबको रखते साइड में और देखते और क्या क्या मिलता है। तो प्रोसेसर की बात करो तो इसमें डिमेंसिटी का हमको 7200 का 5G प्रोसेसर मिल जाता है, 4nm का TSMC प्रोसेसर है इसके अंदर। अगर अंतुतु स्कोर की बात करें तो इसमें 7 लाख से ज़्यादा का अंतुतु स्कोर है। इसके पीछे का जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है, जो कि डायमंड शेप में दिया हुआ है, जो प्लास्टिक बॉडी है पर काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। और अगर वीडियो की बात करो तो इसमें हम लोग 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। नीचे अगर चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, ड्यूल स्पीकर दे दिया हुआ है साइड में, इस तरफ कुछ नहीं। इसमें हम लोग 2 ही सिम डाल सकते हैं, ऊपर एक एक्स्ट्रा माइक का दिया हुआ है। कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं, 4K रिकॉर्डिंग है इसमें, IMX882 का इसमें काफ़ी बढ़िया सेंसर है OIS का। इसमें हमको 1800 nits का प्रिक ब्राइटनेस वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फ्रंट टच OS 14 के साथ, और 4D वाइब्रेशन भी आता है गेमिंग करने के टाइम पे, वो बहुत ही अच्छा रहता है। 5000 mAh का बैटरी है, 44 वाट का चार्जर है, ड्यूअल स्पीकर है, 8GB RAM प्लस 8GB RAM का वेरिएंट आपको मिल जाएगा। और अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो 2000 का क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है। तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है कंपनी ने निकाला हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर